बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि हम लोग आए हुए इधर, सिस्टर हमेरा के घर रहीम। ये गर्मियों के कपड़े भी कुछ पड़े हैं और कुछ पड़े हैं सर्दियों के। तो बाकी अभी बक्से से मैंने कपड़े निकालने हैं। ये गर्मियों वाले कपड़े हैं, ये रखने हैं, सेमे में पड़े हैं, जो सेमे से भी निकाल के बक्से में रखती हूँ और जो इधर भी है ये गर्मियों वाले रखती हूँ और अब सर्दियों वाले सारे निकाल लेती हूँ। तो जर्सियाँ वगैरह की अभी नहीं जरूरत, वो रहने दूंगी, वो एक बक्से में है। तो जो नॉर्मल मौसम के कपड़े हैं वो सारे निकालती हूँ आज और गर्मियों वाले सारे हटा के रख देती हूँ क्योंकि काफ़ी खिलारा पड़ा हुआ है ये चारपाइयों पर। ये धो के और इधर रखे हुए हैं। तो अभी ये पीछे पड़े हैं बिस्तर मेरे, मुझे इनके कवर वगैरह मैंने काट के माया वगैरह निकाल के रख लिए, सूख चुके हैं। पहले मेरा दिल है कि ये कपड़े वगैरह जहाँ जहाँ रखने प्रेस करके ये रख लेती हूँ। आगे सुबह के लेट ही नहीं थी तो कोई चीज़ कमरे में नजर ही नहीं आ रही थी, इसलिए आज काफ़ी लेट भी हो गए हैं। बच्चे का आ सबसे सबक पढ़ रहे हैं और उन्होंने ट्यूशन भी जाना है, तो मैं उतनी देर जितनी हो सकती है लेट में ये कपड़े जो रखने वाले रखती हूँ, जो प्रेस करने वाले हैं वो सेम में रखती हूँ प्रेस करके नॉर्मल मौसम के कपड़े। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी हैं, ये सारे जो खिलरा हुआ है ये रखती हूँ। तो फिर उसके बाद ये रजाई का छाड़े वगैरह कवर सिलाई करने वाले हैं ये करूँगी। तो आज पहले सबसे ये कपड़े जो हैं ये जहाँ जहाँ रखने हैं जैसे करना है ये करती हूँ। तो काम पहले प्रेस करने का शुरू करती हूँ, तो उसके बाद जिस तरह जो हाथ में है उसी तरह करती जाऊँगी। तो ये है मामा के पापा के कपड़े, ये भी धो के रखे हुए हैं, वो काफ़ी सारे उधर भी चार पाई कपड़े हैं। तो ये पहले उनके कपड़े गर्मियों वाले वो रखने हैं, ये प्रेस नहीं करती वैसे ही रख दूंगी बक्सों में क्योंकि जब फिर निकालने फिर भी प्रेस करने ही पड़ेंगे। तो ये अपने सूट से मैं शुरू करती हूँ। ये इधर पड़ा पहले आ गए, तो अभी धोया था सूख गया है, तो अभी इसे प्रेस करती हूँ पहले मैं, क्योंकि जब मेहमान के पापा घर आते हैं फिर ज़्यादा चलना फिरना भी हमारा फ्री होता है, आगे पीछे हम नहीं जाते। तो इसलिए अभी ये कपड़े मैंने धो धो कर स्टॉक लगाया हुआ है, तो अभी प्रेस करती हूँ। तो अभी लगाती हूँ मैं इस्त्री जी। सिलेंडर आ गया? अच्छा भाई इनके अंदर आ जाए। जी आज सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर वाला भाई सिलेंडर आ गया है। तो सिलेंडर इस दफा गर्मियों में इतनी महंगी है, तो सर्दियों में हम जैसे लोग क्या करेंगे, किस तरह गैस पूरी की जाएगी तो समझ नहीं आ रही। तो वो सिलेंडर रखवाना था, इसलिए कपड़े प्रेस अब करती हूँ क्योंकि इसकी तो मैंने लगा दी थी। तो उसमें बेटा बुलाने के लिए आ गया था मामा जी, सिलेंडर वाला भाई आ चुका है तो सिलेंडर रखा लो पहले, क्योंकि जब मामा के पापा होते फिर तो इस तरह के काम वो खुद ही करते हैं, तो जब ना हो तो फिर मजबूरी होती है घर में, क्योंकि अगर वो घर में रहेंगे तो फिर कैसे पालेंगे हम लोग अपना, ये दुनियादारी के सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए अभी ये पहले तो हिम्मत करके जब इतने ज़्यादा कपड़े हो जाए प्रेस करने वाले तो मुझे खुद ही नींद आनी शुरू हो जाती है कि ये किस तरह खत्म होंगे। तो आज ये सारे कपड़े पहले प्रेस करती हूँ, उसके बाद खाना छाना भी बनाना है जिस तरह के रोज़मर्रा के मेरे काम है। तो पहले ये कमरे का कोई हालत नहीं नज़र आ रही, कपड़े बिखरे हुए, इसलिए तो जो सेटिंग किया निकाल ली थी हम लोगों ने, तो उस दिन का कोई दोबारा सीधा कमरा नहीं किया। तो अब यही कमरे सीधे करने हैं, जाने वाले तो चले गए हैं,
खैर खरीदत होनी चाहिए और फिर वापस आ जाएंगे। मैंने रहीम शाम का टाइम हो चुका है, तो ली है सब्ज़ी मैंने आज, ली है पालक। तो ये अभी तैयार करनी है, सारा काम करने वाला पड़ा, तो आज बीपीआई हो गया था तो लेट गई थी। तो अभी बच्चों ने कारी से पढ़ के एडमिशन पे गए हुए हैं, तो मुझे पता ही नहीं है। अभी समीर बेटा घर आया था, उसने बताया है, तो उनकी टीचर भी कहीं गई हुई है, पता नहीं कहाँ गई हुई है। तो चलो जी, ये है लहसुन प्याज, ये भी छील के काट लेती हूँ, और ये पालक भी काट ले तो थोड़ी सी काटी है। और इधर मैंने माल्टे भी रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जब आएंगे ट्यूशन पढ़ के इधर ही बैठी होंगी तो उन्होंने खाने हैं, तो फिर उधर सारे बिखेर देते थे, इसलिए मैंने अपने पास पहले ही रख ली। इधर आलू भी साथ रखे हुए हैं, तो ये रखी हुई मैंने बाल्टी, क्योंकि पालक को खुले पानी से धोना होता है, मिट्टी वगैरह ना रह जाए, तो इसमें डाल के अच्छी तरह धो लूँगी। तो अभी काम स्टार्ट करती हूँ, सारी चीज़ें तैयार करती हूँ, क्योंकि शाम हो रही है, तो फिर बच्चों का होमवर्क वगैरह भी चेक करना होता है दोनों छोटों का। समीर बेटा तो वैसे ही करवा देता है, लेकिन हमें होमवर्क फिर का करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी आगे पीछे काम कर जाते हैं, तो इसलिए वो करना है। तो अभी ये सारा सामान मैं तैयार करती हूँ, तो उतनी देर भी काफ़ी दिनों के बाद, जिस दिन की कड़ी हमने परसों कड़ी बनाई थी तो बिल्कुल सादा बनाई थी। मैम कबीर बेटा, सॉरी कबीर ही सबीर बेटा कह रहा था कि वे पापा कड़ी और पाले पकौड़े बना के दें, तो पालक नहीं थी, तो इसलिए आज पालक सब्जी वाले भाई के पास थी, तो मैंने यही ले ली। मैंने कहा ये आलू पालक आज बना दूंगी, तो समीर बेटा काफ़ी कहता है मम्मा जे आपने साग बनाना है, तो इसलिए ये पालक आलू पालक बना दूंगी, तो बच्चे शौक से खा लेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ और जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली है, असर की अजान हो चुकी है, लेकिन बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई है, तो अभी उठ के जल्दी जल्दी बनाती हूँ। पालक भी मैंने बाल्टी में डाल ली, अभी पानी में अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा धोती हूँ, काटने के बाद भी पहले भी धोई लेकिन अब भी धोती हूँ। ये लहसुन प्याज है और ये है आलू, तो ये कुछ प्याज मैंने रख लिए हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, तो इंसान बचत करने के ज़ोर में, लेकिन बचत हो नहीं सकती, क्योंकि खाना पीना तो कोई चीज़ है। तो अभी जो छिलके बाल्टी में डालती हूँ कूड़े वाली में, तो ये काम स्टार्ट करती हूँ। रहीम ये सालन भी बनाने लगी थी, तो साथ साथ पहले मेरे का सर में दर्द हो रही है, तो चाय बना के पीती हूँ, जो चाय बन रही है, बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए, वो भी अभी लोग सुबह सुबह पनीरी का नाश्ता करते हैं, वो इस तरह इस वक्त कर रहे हैं, सुबह खाते नहीं, उनको बड़े कहा है कि मैंने डांटना भी आप लोगों को अगर आपने कोई चीज़ ना खाई। तो अभी ये मैंने लहसुन प्याज सारा कुछ डाल के पानी डाला हुआ, क्यों नरम हो जाएगा, तो इसके पेस्ट बनाऊंगी अच्छी तरह। तो ये पालक और आलू पानी में भिगो के रखे हुए हैं, तो अभी चाय बनती है, चाय भी पीती हूँ, साथ साथ सालन भी बनाती हूँ, ये सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे। रहीम मसाला तैयार हो चुका है, तो अभी इसमें ऐड करने हैं मैंने आलू पालक, तो ये भिगो के मैंने पानी में रखा हुआ है, अब मटी वगैरह सारी उतर जाएगी, तो इसलिए कैमरा मेरे हाथ में, कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पालक और आलू मैंने डाल दिए, अब अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ पहले, फिर उसके बाद अच्छी तरह इसकी भुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक की भुनाई अच्छी तरह कर ली है, तो अभी मैंने साथ ही डालना ये दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि दूध के साथ पालक का, आलू पालक काफ़ी प्यारा बनता है, काफ़ी जायका और टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब दोबारा फिर इसकी भुनाई करती हूँ अच्छी तरह, क्योंकि दूध के साथ तो काफ़ी मज़े की पालक बनती है। तो हमने पहली दफ़ा जब आलू, दूध वाली आलू पालक खाई थी, तो वो एक नाई था जिस मामू की शादी थी, तो माशाल्लाह जी इतनी प्यारी पहली दफ़ा पालक खाने को मिली थी। क्योंकि फिर हमने पूछा उस अंकल से कि आपने कैसे बनाई है, तो उसने कहा कि इसमें दूध डाला मैंने, जीरे जीरे डाली हूँ, तो मैंने और तो कुछ नहीं डाला, सिंपल सी बनाई है। तो अभी दूध डालती हूँ और अच्छी तरह भुनाई करती हूँ, तो इसका ये जायका और टेस्ट और इतनी प्यारा जायका हो जाता है दूध के साथ। तो आप भी बहन भाई ट्राई करें, जो भी खाना चाहते हैं, जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो माशाल्लाह जी दूध के साथ पालक बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी बनती है। तो अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करती हूँ, साथ साथ आटा गूंद लेती हूँ। तो चाय मैंने अभी डाल के रखी हुई, पी रही हूँ, चाय भी पीती हूँ। तो बाकी जब बर्तन धोने वाले हो गए, जब बाद में धोती हूँ। रहीम जी, आलू गोभी सॉरी आलू पालक तैयार हो चुकी है। तो अभी ये माशाल्लाह बड़े प्यारे बनी हो, बड़ी मज़े की बनी है, क्योंकि घी मैंने बिल्कुल कम डाला हुआ है। तो अभी बच्चों को भूख लग चुकी है, रोटियां बना के मैंने इधर रखी हुई हैं, तो अभी बच्चों को देती हैं रोटियां, खुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। तो फिर उसके बाद अभी दूध लेने जाना है मैंने, वो लेके आऊँगी। तो पहले बच्चों को रोटी दे लूँ, तो उसके बाद जाऊँगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।